हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। राजनीतिक दल आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीकों से विधानसभा चुनाव संपादित करवाने में भागीदारी बने। प्रत्येक सभा जुलूस और सार्वजनिक सभा की नियम अनुसार अनुमति लेते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाटे ने रविवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में हाल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए ये बात कही। जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाटे ने कहा कि चुनाव संपन्न कराने में प्रशासन के साथ राजनीतिक दलों और जागरूक मतदाताओं की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली और सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता, न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे। प्रत्येक सभा जुलूस और सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देश की पालना तहत होगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल BLA की नियुक्ति करके सूचना भिजवाएं। इसके अलावा पोलिंग एजेंट को चिन्हित करते समय ये ध्यान रखें कि संबंधित मतदान केंद्र का मतदाता हो। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार ने आदर्श आचार संहिता के विविध पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान सूचना और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक NC चंद्रोदय, स्पीप के सहायक नोडल अधिकारी मुकेश पचौरी उपस्थित थे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।